हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिवानीज किचन। आज हम स्किन वाइटनिंग चिया सीड फेस मास्क बनाएंगे। ये फेस मास्क हमारी स्किन को लाइटन ब्राइटन और वाइटन बनाता है। ये हमारी स्किन पर से किसी भी तरीके के डार्क स्पॉट्स, एक्ने स्कार्स और सनटैन को रिमूव करता है। साथ ही इसमें एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि हमारे फाइन लाइन्स, रिंकल्स और ओपन पोर्स की समस्या को दूर करती हैं। प्लस इसके रेगुलर यूज़ से हमारी स्किन बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट, सपल और रेडिएंट हो जाती है। तो आइए स्किन वाइटनिंग चिया सीड फेस मास्क बनाना शुरू करते हैं। चिया सीड फेस मास्क बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बाउल लेंगे और इसमें 2 चम्मच चिया सीड्स डालेंगे। चिया सीड्स में भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं जो कि हमारी स्किन के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं। ये हमारे साइंस ऑफ एजिंग जैसे फाइन लाइन्स और रिंकल्स को रिड्यूस करने में भी हमारी बहुत हेल्प करता है। साथ ही हमारी ड्राई स्किन को हाइड्रेट कर स्किन को बहुत ज़्यादा ग्लोइंग बना देता है। तो अब हम इसमें 4 बड़े चम्मच दूध डालेंगे और दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। इस फेस मास्क को मैं नॉर्मल स्किन वालों के लिए बना रही हूँ, पर अगर आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा ऑयली है तो यहाँ आप चिया सीड्स को दूध की जगह पानी में भी सोक कर सकते हैं। तो ये मैंने दोनों चीज़ों को बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अब हम इन्हें 1 घंटे के लिए इसी तरह रखा छोड़ देंगे ताकि हमारे जो चिया सीड्स हैं वो अच्छे से फूल जाएँ। तो ये लगभग 1 घंटा हो चुका है और आप देखिए कि हमारे जो चिया सीड्स से वो अच्छे से फूल चुके हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। तो अब हम इन चिया सीड्स को एक ग्राइंडिंग जार में डालेंगे, जार का ढक्कन लगाएंगे और इन्हें अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने इन्हें ग्राइंड करके एक अच्छा सा स्मूथ पेस्ट बना लिया है। तो अब हम इस चिया सीड्स के मिक्सचर को एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे और अब हम इसमें 1 बड़ा चम्मच एलोवेरा जेल डालेंगे, 1/2 नींबू का रस डालेंगे और अब हम लास्ट में इसमें 1 चम्मच शहद डाल देंगे। तो यह मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स डाल दिए हैं। तो अब हम इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यह मैंने सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। हमारा चिया सीड्स फेस मास्क बनकर रेडी हो चुका है। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको इसको कब और कैसे यूज़ करना है। तो इस फेस मास्क को अप्लाई करने से पहले आप अपने फेस को अच्छे से वॉश कर लें और इस तरह फेस मास्क लेकर अपने फेस और नेक एरिया पे इसे इस तरह अप्लाई करें और अप्लाई करने के बाद आप इसे अपने चेहरे पर इसी तरह 20 मिनट के लिए रगड़ छोड़ दें और उसके बाद ठंडे पानी से अपने फेस को अच्छे से वॉश कर लें। इसके बेस्ट रिजल्ट्स के लिए आप इस फेस मास्क को हफ्ते में 2 बार तो ज़रूर अप्लाई करें। इसके रेगुलर यूज़ से आप कुछ ही दिनों में देखेंगे कि आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा लाइटन ब्राइटन और वाइटन हो जाएगी। साथ ही अगर आपकी स्किन पर किसी भी तरीके के एक्ने स्कार्स, डार्क स्पॉट्स या फिर सनटैन है तो वो भी धीरे धीरे रिड्यूस होने लगेंगे। आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट, सपल और ग्लोइंग हो जाएगी और आपके फाइन लाइन, रिंकल्स और ओपन पोर्स की समस्या तो एकदम जड़ से ही ख़त्म हो जाएगी। तो आप भी इस फेस मास्क को एक बार तो ज़रूर बनाइएगा और इसका रेगुलर यूज़ कीजिएगा, क्योंकि तभी आपको पता लगेगा कि ये कितना इफेक्टिव है। तो आप भी एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।